हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिस किचन एंड ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत ही मजे में होंगे। और आज मैं आपके साथ किचन के बहुत ही यूनिक से डिफरेंट से किचन आइटम शेयर करने जा रही हूँ, तो डेफिनेटली आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला जो किचन आइटम मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये सर्विंग बाउल है और सेट ऑफ 3 में मुझे रिसीव हुए हैं। अलग अलग इसकी कैपेसिटी है और इंटरनल जो बॉडी है इसकी स्टेनलेस स्टील की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी। ऊपर की तरफ ये फाइबर बॉडी है और सबसे अच्छी जो क्वालिटी है ये माइक्रोवेव सेफ है। साथ में लिड भी है तो लिड से आपका जो भी खाना सर्व करोगे सेफ रहेगा और काफ़ी टाइम तक गर्म भी रहेगा। और जो लिड है परफेक्ट एयर टाइट है और बिल्कुल लीक प्रूफ है, तो एक अच्छा ऑप्शन है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। अगर इस तरीके का आप सर्विंग बाउल सर्च करें तो मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इसे परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो परचेज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये किचन के लिए शोपीस मैंने मंगाया है। आप इसे डाइनिंग टेबल पे भी यूज कर सकते हैं। कुछ डिफरेंट लुक का ये शोपीस है। ये मास्टर शेफ के 3 आइडल्स हैं और काफी अफोर्डेबल प्राइस मुझे ये मीशो से मिले हैं। काफी क्यूट से देखने में मास्टर शेफ है। तो अगर इस तरह के कुछ डिफरेंट लुक के आप शोपीस सर्च कर रहे हैं अपने किचन के लिए, अपने डाइनिंग टेबल के लिए, तो डेफिनेटली आप इसे परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके साथ परचेज मैं शेयर करने जा रही हूँ, वुडन का एक ड्रॉर के साथ कंबाइंड ट्रे है, क्योंकि इसमें ड्रॉर्स का सिस्टम है। 2 ड्रॉर इधर है और साइड में एक ये ड्रॉर है जिनमें आप अपने छोटे मोटे किचन के आइटम्स को अरेंज कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ का जो बेस है आप उसको एज अ आप यूज कर सकते हैं ट्रे की जैसे। तो आप अपने ये सेंटर टेबल पे या डाइनिंग टेबल पे भी रख सकते हैं। तो देखने में काफी अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है। आप इसे टी स्टेशन की तरह भी बना सकते हैं और छोटे जो टी के लिए टी बैग्स है, कॉफी पाउच है, शुगर के पाउच है, वो उनको भी अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो परचेज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ ये टी कप होल्डर है और स्टेनलेस स्टील क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बिल्कुल स्टडी मटेरियल है और बिल्कुल रस्ट फ्री ये मटेरियल है और देखने में बहुत ज़्यादा स्लीक सा डिज़ाइन है। प्राइस आप देख रहे हैं अफोर्डेबल है और नीचे का बेस जो वहाँ पर अपने सॉक्सेस को भी अरेंज करते हैं तो अपने डाइनिंग टेबल के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। साथ ही साथ अपने कैबिनेट में भी इसे अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो परचेज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ट्राइबल आर्ट से इंस्पायर ये मल्टी कलर के टी कप हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस से मैंने मीशो से परचेज करे हैं। और इस तरह के मल्टी कलर के अगर आप सेरेमिक के कप्स को सर्च करें तो डेफिनेटली इसे परचेज कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो परचेज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, सेट ऑफ थ्री में मैंने ये कंटेनर परचेज करे हैं जिसमें आप अपने फूड आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने ट्रैवलिंग के टाइम में भी अपने फूड आइटम को लेके जा सकते हैं। काफी अच्छा, एयर टाइट, परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। इसका लिड का ग्रिप बहुत ही अच्छा था और ये क्लिप सिस्टम है जिससे कि आपका बिल्कुल परफेक्टली अच्छे से एयर टाइट रहेगा। कंटेनर का भी जो आप लुक देख रहे हैं बहुत ही अच्छे से ग्लास फिनिश में है और डेप्थ भी काफी अच्छी है, तो अच्छा खासा आपका फूड का क्वांटिटी जो है इसमें अच्छे से आप कैरी कर सकते हैं। क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है और लॉक सिस्टम भी अच्छा है। अगर इस तरीके के फूड कंटेनर्स आप सर्च करें तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि डेफिनेटली आप इसे परचेज कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में भी है और क्वालिटी इसकी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। नेक्स्ट जो परचेज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, मेटल का बना हुआ हैंडीक्राफ्ट किया हुआ एक कप केक स्टैंड है जिसे अपने स्नैक सर्विंग के स्टैंड के तौर पे भी आप यूज कर सकते हैं और अपने बर्थडे के केक को भी इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। काफी ब्यूटीफुल पीस है, डबल लेयर में है, एक लेयर दूसरे लेयर के अंदर फिट हो जाता है और ये मेटल की ट्रे है और बहुत ही ज्यादा स्टडी और अच्छा मटेरियल है और साथ ही साथ प्राइस भी देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। 540 के अराउंड मुझे रिसीव हुआ है। एक अच्छी क्वालिटी का कप केक स्टैंड और केक स्टैंड और स्नैक स्टैंड आप सर्च कर रहे हैं इस तरीके का तो डेफिनेटली आप इसे परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो परचेज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये सोप होल्डर है और 2 नंबर सोप आपके ये होल्ड कर लेगा और विदाउट ड्रिलिंग आप इसे अपने बाथरूम में और अपने सिंक एरिया में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। काफी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस है और पीछे ये सेल्फ एडहेसिव हुक से रखें जिनकी हेल्प से आप इन्हें अपने वॉल में फिक्स कर सकते हैं, तो काफी अच्छी चीज लगी और कुछ इनोवेटिव लगा तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। नेक्स्ट जो परचेज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये है बटर बॉक्स, तो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस है, बहुत ही ज्यादा 100 या 120 के अराउंड का आप कोई बटर बॉक्स सर्च कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी डेफिनेटली आप इसे परचेज करिए क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, प्लास्टिक की जो क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और नीचे की तरफ बेस में डबल लेयर है तो आपको क्लीनिंग वगैरह करने में बहुत ही ईजी होगा। तो मैं आपको उसको ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये ऊपर की तरफ ये कवर है और नीचे की तरफ ये बेस है जिसमें आप अपने बटर के ब्रिक को आप इसमें फिक्स करना होगा और जो बीच में ये ग्रुप्स बने हैं उनकी हेल्प से अपने बटर को आप एक इक्वल साइज में कट कर सकते हैं और आपके लिए इजी हो जाएगा यूज करना। बट मैंने जो कोशिश की थी इसको कट करने की तो मुझसे बहुत ही परफेक्टली ये नहीं कट रहा था जैसा कि इसके फोटो में डिस्प्ले में था, बट अदरवाइज अगर बटर बॉक्स की बात करें तो काफी ज्यादा अच्छा है और आप इसे डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो परचेज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सेट ऑफ टू में स्पाइस सेट है और ये बना है ग्लास का और ऊपर की तरफ इसकी कवरिंग स्टेनलेस स्टील की है। क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और साथ ही साथ नीचे की तरफ बेस होल्डर भी दे रखा है और रोटेशन करके आप इसके होल के साइज को सेट कर सकते हैं, तो इसे आप पेपर और सॉल्ट के शेकर के तौर पे यूज कर सकते हैं। प्राइस भी बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, ग्लास का बना है तो सॉल्ट के लिए और पेपर के लिए दोनों के लिए सेफ है। एक अच्छी क्वालिटी का आपने डाइनिंग टेबल के लिए आप सर्विंग के लिए अगर आप सर्च कर रहे हैं ये पेपर और सॉल्ट शेकर तो डेफिनेटली इसे परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ 3 एडजस्टेबल होल्स हैं जो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इन होल्स के साइज को सेट कर सकते हैं और इसे फिट कर सकते हैं।
आज का जो लास्ट प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये गोल्डन स्पून सेट है, जिसे आप इसे डिजर्ट स्पून के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, अपने कटलरी, अपने किचन टेबल पे, अपने डाइनिंग टेबल पे भी एज अ डेकोर भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल फिनिश में ये है और काफी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में, और इस तरह के एक लॉन्ग हैंडल वाले स्पून आप सर्च कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसे परचेज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के प्रोडक्ट आपको कैसे लगे जरूर जरूर से शेयर करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, कुछ नए बेहतरीन आइटम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।